गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बेटा आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बेटा। आज हम 6th क्लास के लेक्चर में पढ़ेंगे और जो टॉपिक आज का अपना रहेगा वो रहेगा बेटा वर्ड प्रॉब्लम। देखिए बेटा, अब तक आपने एडिशन सीख लिया, आपने सब्स्ट्रैक्शन करना सीख लिया, आपने मल्टीप्लाई सीख लिया बेटा, और आपने डिवाइड करना सीख लिया बेटा। इन्हीं के बेस के ऊपर, इन चारों के बेस के ऊपर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अपना, वो हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ये टॉपिक इन चारों को लेके ही, इन चारों की यूज यहाँ पे आएगा। तो मैं आप जो नए हैं चैनल के ऊपर उनसे एक बार दरखास्त करूंगा कि अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे बेटा तो प्रीवियस लेक्चर देख लें, ताकि आपको एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ जाए। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ एक डिजिट्स दी होती हैं आपको, कुछ डिजिट्स दी होती हैं आपको और उन डिजिट्स की कुछ वैल्यू दी होती है आपको। जैसे कि मैं एक जनरल सा एग्जाम्पल लेके चलूं कि भाई अपने को 1 डजन जो बनाना है, 1 डजन बनाना अपने को 40 रुपए में पड़ता है। एक जनरल प्रॉब्लम लेके चल रहा हूं मैं, वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका 1 डजन बनाना आपका 40 रुपए का पड़ता है बेटा। अब क्वेश्चन आपसे कर दे कि अगर आपने 5 डजन बनाना खरीदना है, 5 दर्जन बनाना केले अगर आपने खरीदने हैं बेटा, केले तो आपने खरीदे होंगे ना, तो 5 दर्जन अगर केले आपने खरीदने हैं तो बेटा क्या रेट पड़ेगा? तो 40 × 5 इज इक्वल टू ₹200। आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे बेटा? 200 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बात किसकी हुई, मल्टीप्लीकेशन की हुई। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनमें हम मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन और डिविजन पढ़ेंगे। चलिए मैं क्वेश्चंस लेके चलता हूँ और क्वेश्चंस में आपको समझाता हूँ एक एक चीज। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली वाज 1,39,35,297 इन ईयर 1999। इट इंक्रीज्ड बाय 45,34,214 इन नेक्स्ट। मैं प्रीवियस क्लास में आपको बताया था ना कि इन डिजिट्स को इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे रीड करते हैं बेटा। देखिए ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बेटा 8 डिजिट में क्या बनता है आपका? करोड़ बनता है। तो 1,29,00,000, ये लैक है, 29,35,000 बेटा 297। सिंपल, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो ये बहुत इजी है बेटा, ठीक है। इन नेक्स्ट 2 ईयर्स मतलब 2001 तक ये जनसंख्या बढ़ जाएगी, इतनी जनसंख्या और बढ़ जाएगी। बट 13,29,417 लोग जो थे वो मुंबई माइग्रेट हो गए, मतलब मुंबई चले गए, माइग्रेटेड टू मुंबई, दिल्ली छोड़ गए। और कहाँ चले गए बेटा आपका? वो लोग दिल्ली छोड़ के कहाँ चले गए? मुंबई चले गए। एंड कुछ लोग बेंगलोर चले गए, बेंगलुरु, बेंगलुरु चले गए बेटा आपका, है ना। कुछ लोग आपके कहाँ चले गए? बेंगलुरु। पॉपुलेशन पूछ रहा है आपसे कि अब जाने के बाद और बढ़ने के बाद पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, DEL, दिल्ली इन 2011 आपसे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन बेटा कितनी होगी 2001 में दिल्ली की। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचते हैं। तो सॉल्यूशन में हम जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनको लिखते हैं। क्या क्या गिवन है बेटा? देखिए गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। पॉपुलेशन इन 1999, 1999 में कितनी पॉपुलेशन थी बेटा? 1,29,35,297 इतनी पॉपुलेशन थी। इंक्रीज इन नेक्स्ट 2 ईयर, इंक्रीज इन नेक्स्ट 2 ईयर
कितनी इंक्रीज हुई बेटा, 45,000, 45,34,214, इतनी इंक्रीज हुई बेटा। ठीक है, तो अब टोटल पॉपुलेशन कितनी बनी, देखिए टोटल कितनी बनी, टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 1,29,35,297 प्लस में जो बढ़ी वो 45,34,214, 214 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके सामने 1,74,69,79,511, कितना हो जाएगा बेटा, 1,74,000, 74 लाख, सॉरी 69,511। ठीक है, ये आपकी टोटल पॉपुलेशन बन जाएगी 2011 में। बट माइग्रेटेड पीपल्स या माइग्रेटेड आप पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, पीपल्स भी बोल सकते हैं। अब माइग्रेटेड भी तो कुछ लोग थे, कितने माइग्रेटेड थे, 13,29,417। अब क्या बचेगी, सो पॉपुलेशन इन इन 2001 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1,74,69,511 माइनस में 13,29,417, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, टोटल हो जाएगा आपका 1,61,40,094। ये आपकी टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी बेटा कितने में, 2001 में, ईयर 2001 में। देखिए समझ में आया आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आपको क्या दे रखा, देखिए क्वेश्चन में पॉपुलेशन दे रखी है दिल्ली की 1999 में कितनी बेटा, 1,29,35,297। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 साल में 45,34,214 इंक्रीज हो जाती है। आपकी नेक्स्ट 2 ईयर में बेटा कितनी इंक्रीज हुई, 45,34,214। अब कह रहा है लेकिन अगर आपसे और कुछ भी नहीं देता, सिर्फ इतना ही देता, तो आप क्या करते। देखिए गिवन पॉपुलेशन इन 2019 कितना था बेटा आपका, 1,29,35,297। अब इंक्रीज कितना हुआ, इतना हुआ, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, दो थी वो और जो इंक्रीज हुई वो प्लस में जो इंक्रीज हुई वो कितनी बन जाएगी आपकी, ये पॉपुलेशन आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कुछ लोग दिल्ली छोड़ के मुंबई और बेंगलोर चले गए, कितने लोग चले गए नेक्स्ट 2 ईयर्स में, इतने लोग मुंबई और बेंगलोर चले गए दिल्ली को छोड़ के। अब इतने लोग चले गए तो बेटा ये माइनस भी तो होंगे भाई, कुछ लोग आए हैं, पॉपुलेशन जब भी तो बढ़ेगी, कुछ लोग आए हैं, कुछ पैदा हुए हैं तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो कुछ लोग गए भी हैं। अब गए हैं वो लोग क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे। देखिए मैंने यहां पे किया कि मैंने क्या किया कि जो पॉपुलेशन निकली थी 2 ईयर्स की वो माइनस में जो चले गए वो, अब कितना बच गया आपके सामने, आपके सामने ये जो टोटल वैल्यू आ गई कौन सी आ गई, पॉपुलेशन इन 2011, पॉपुलेशन इन 2001, सॉरी पॉपुलेशन इन 2001। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1,61,40,094। ठीक है, चलिए बेटा बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ए मशीन प्रोड्यूस कितना बेटा, 2,825 स्क्रूज, स्क्रू तो सुने होंगे ना आपने, बुल्ट, पेच बुल्ट, स्क्रू, ए डे, एक दिन में। ये कह रहा है कि मशीन एक दिन में 2,825 पेच बनाती है आपके, स्क्रू बनाती है आपके, ठीक है, इन ए डे, एंड आफ्टर ए मंथ। अब देखिए मंथ का कुछ फिक्स नहीं होता, वो कितने दिन का होता है। देखिए अगर फरवरी की बात होती तो हो सकता है 28 और 29 दिन का होता, अगर यहाँ पे दिसंबर की बात होती तो बेटा हो सकता है 31 दिन का होता, अगर नवंबर की बात होती तो हो सकता है 30 दिन का होता। तो यहाँ पे वैल्यू दे दी 30 डेज, मतलब महीना जो था वो कितने दिन का था बेटा, 30 दिन का था। ठीक है, दीज स्क्रूज
दीज स्क्रूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई 30 दिन तक डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई 30 दिन तक, एक दिन में कितना स्क्रू बना? 2825। और एक दिन में बना तो 30 दिन में कितना बनेगा? देखिए पहले तो सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं, जो स्टेटमेंट अभी तक दी है उसकी बात करते हैं। स्क्रूज प्रोडक्शन इन ए डे, एक दिन में कितनी प्रोड्यूस करती थी बेटा मशीन? 2825 ये प्रोड्यूस करती थी। तो स्क्रू प्रोडक्शन, स्क्रूज प्रोडक्शन इन 30 डेज, बेटा 30 दिन में कितना बन जाएगा? 2825। देखिए मैंने क्वेश्चन बताया था अभी अभी आपको लास्ट ही कुछ मिनट पहले कि आपके एक दर्जन बनाना का रेट 40 रुपए था, तो 12 दर्जन बनाना या 5 दर्जन बनाना का रेट कितना पड़ा था? गुणा में उतना कर दिया जितनी वैल्यू थी, गुणा में 30 कर दो। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 84750। मतलब आपकी मशीन, आपकी एक मशीन जो है वो टोटल कितने स्क्रू बनाती है बेटा? टोटल एक महीने में कितने स्क्रू बनाती है? अपने एक महीने में 84750 स्क्रू बनाती है बेटा, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट अगली पढ़िए। दीज स्क्रूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो स्क्रू हैं आपके ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी। हाउ मच स्क्रू डज इन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यहां पे एक स्टेटमेंट हम मिस कर गए, इक्वली इक्वली टू 5 डीलर्स, ये स्टेटमेंट बीच में मिस कर गए, डज डीलर गेट। देखिए ये कह रहा है कि जो 30 दिन में आपने जो स्क्रू बनाए थे, देखिए 30 दिन का स्क्रू कितना बना था? इतना। अब कह रहा है कि वो स्क्रू जो आपने बनाए थे वो 5 डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। कितने डीलर्स में बेटा? 5 डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। आपसे पूछ रहा है कि एक डीलर को कितना मिला, तो देखिए 5 डीलर को कितना मिला? 5 डीलर्स गेट स्क्रूज कितने कितने स्क्रू बेटा? 84750। तो 1 डीलर, एक डीलर कितना मिलेगा? एक डीलर गेट स्क्रूज कितने बेटा? अरे डिवाइडेड बाय में क्या कर दो? डिवाइडेड बाय में 5 कर दो बेटा, आ गया आपका आंसर। कितने हो जाएंगे बेटा? ये 5 पे कटेगा क्या? कटेगा। कितना हो जाएगा? 16950। ये आपकी एक डीलर को इतनी स्क्रू आपके मिल रहे हैं। एक डीलर को कितने स्क्रू मिल रहे हैं बेटा? 16950 स्क्रू मिल रहे हैं। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक मशीन जो आपकी है वो 2825 स्क्रू एक दिन में बनाती है। एक दिन में कितने स्क्रू बनाती है बेटा? 2825। तो एक महीने में मतलब 30 दिन में, पहले तो हम यही निकाल लेंगे कि 30 दिन में कितनी बनाएगी? 2825 गुना में 30, इतने बनाएगी। अब कह रहा है कि ये स्क्रू जो बनाए एक महीने में, ये 5 डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। कितने डीलर्स में बेटा? 5 डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि एक डीलर को कितने स्क्रू मिले, एक डीलर को कितने स्क्रू मिले? तो बेटा देखिए 5 डीलर को कितने स्क्रू मिलेंगे? 84750। भाई यही तो मिलेगा, टोटल 5 डीलर्स को यही तो मिलेंगे, 5 के 5 को तो यही मिलेंगे। सॉरी, लेकिन मेरे से पूछ रहा है कि एक डीलर को कितना मिलेगा। तो बेटा एक डीलर को कितना मिलेगा? टोटल डिवाइडेड बाई में कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 5 में। अगर ये हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके सामने कितनी वैल्यू आएगी? इतनी वैल्यू आएगी। तो आप क्या लिखेंगे? हैंस हैंस ईच डीलर गेट्स 16950 स्क्रूज। समझ में आ गई बात?
समझ गया कि नहीं? अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा भी दे सकता था। इस क्वेश्चन में क्या उल्टा दे सकता था? आपसे कह सकता था, क्वेश्चन मैं इसी से क्वेश्चन बनाता हूं, इस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाता है। देखिए, ए डीलर गेट 16,950 स्क्रूज इन ए मंथ, और मंथ की वैल्यू दे देता 30 डेज। इफ फाइव डीलर्स गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ स्क्रूज, सेम अमाउंट ऑफ स्क्रूज, देन फाइंड आउट हाउ मच स्क्रूज प्रोडक्शन इन ए डे बाय ए मशीन। देखिए, क्वेश्चन उल्टा कर दिया। पिछले में आपको सारी चीजें दी थी, अब की बार क्वेश्चन में क्या कर दिया बेटा? उल्टा कर दिया। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। क्या है सॉल्यूशन? कि एक डीलर कितने, वन डीलर गेट्स कितने, वन डीलर गेट्स स्क्रूज कितने भाई, एक डीलर को कितने स्क्रू मिलते हैं? 16,950। तो बेटा पांच डीलर्स को कितने मिलेंगे? अब देखिए, पांच डीलर्स को कितने मिलेंगे गेट स्क्रूज? पांच डीलर्स को कितने मिलेंगे बेटा? 16,950 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 84,750 स्क्रूज। समझ गए? एक महीने में पांच डीलर्स को कितने स्क्रू मिले बेटा? 84,750 स्क्रूज। अब ये कह रहा है कि मशीन प्रोडक्शन ऑफ स्क्रूज इन मंथ। अब एक महीने में कितने स्क्रू बनाने पड़ेंगे मशीन को? भाई जितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उतने तो बनाने ही पड़ेंगे, मतलब 84,750 स्क्रूज तो बनाने ही पड़ेंगे बेटा, है ना? तो मशीन प्रोडक्शन आप क्या करेंगे? अब मशीन प्रोडक्शन ऑफ स्क्रूज इन ए डे, एक दिन में कितने हो जाएंगे बेटा? देखिए, 84,750 डिवाइडेड बाई में 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2825। समझ गए बात? क्वेश्चन वही है बेटा, सिर्फ थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आई? तो कल हम और क्वेश्चंस लेंगे वर्ड प्रॉब्लम के लिए। आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे बने रहें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें बेटा, ताकि आपको जो टॉपिक करवाया गया है वो समझ में आए। तो मैं आपका इस चैनल और इस वीडियो पे सूरज स्कूल की तरफ से बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। कल मिलेंगे हम और क्वेश्चंस के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।